हेलो फ्रेंड्स, एक एपिसोड में मैंने बताया था कि हम लोग कटिंग्स को पानी में किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों ने, मेंबर्स ने किया इसको, फ्रेंड्स ने किया इसको प्रोपोगेट, और फिर उन्होंने पूछा कि इला जी, बहुत अच्छी जड़ें निकल आई हैं। उन्होंने मुझे अपनी फोटोग्राफ्स भी डाल के दिखाई कि बहुत अच्छी जड़ें निकल आई हैं, तो अब हम इसको सॉइल में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज के एपिसोड में फ्रेंड्स, हम यही लेते हैं कि पानी में जो हम लोगों ने प्रोपेगेशन किया था और जड़ें निकल आई अच्छी, तो उनको अब हम सॉइल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब आप पानी में प्रोपोगेट करते हैं और जड़ें निकल आती हैं, जैसे आप देखिए, ये अम्ब्रेला पाम है, बहुत अच्छी जड़ें निकल आई हैं। पानी में होने से क्या होता है कि ये जड़ें बहुत फ्री होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है बाहर अपने को थ्रो करने में। तो इसके लिए जब हम सॉइल में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें सॉइल भी उनको ऐसा ही वातावरण प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें वो आराम से अपने को फैला सकें, उनको पुश ना करना पड़े, क्योंकि वो बहुत टेंडर होती हैं। पुश करने में हो सकता है उनको वो ख़राब हो जाए, या आपका पेड़ उसमें मर भी सकता है। तो आप अपनी सॉइल जो प्रिपेयर करेंगे वो मेन है, बहुत लाइट होनी चाहिए टेक्सचर उसका। इसके लिए आप इसके लिए आप कोको पीट या पत्ती की खाद, बर्मिक्यूलाइट, सॉइल राइट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें इस समय डाला है, पत्ती की खाद है थोड़ी सी, कोको पीट है, और थोड़ी सी सॉइल है, क्योंकि मेरे पास वर्मिक्यूलाइट या परलाइट नहीं है इस समय। तो सॉइल मेरी, वैसे आप देख रहे हैं टेक्सचर बहुत हल्का है इसका, फ्री फ्लोइंग है बिल्कुल, तो ये इसमें आराम से अपने को सेट कर लेगा। इसके लिए आपकी सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी में से निकल के आ रहा है, तो इसको मॉइस्चर की अच्छी ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसके लिए गमला लेंगे। गमले का साइज आपके प्लांट जितना बड़ा आपको इसमें लगाना है, आपका पानी में जो आपने प्लांट प्रोपोगेट किया है रूट सिस्टम से, तो वो इसमें उस साइज का ये होना चाहिए। आप सबको पता है इसमें होल्स होने चाहिए, और होल्स को कवर करने के लिए हम लोग इसमें ये क्रॉक्स लगा देते हैं इस तरह से। तो ये क्रॉक्स से आपने कवर जब कर लिया, तो इसमें वील पुट सम सॉइल। ये मैंने देखिए पहले से तैयार करके रखा हुआ है इसको, और सॉइल का मिक्सचर तो जैसे पहले मैंने बताई दिया था आपको। अब मैंने कुछ प्लांट्स करे हैं, जैसे ये देखिए, ये एवोकाडो है, इसको मैंने किया था, और इसका भी रूट अच्छा डेवलप हो गया है, काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। लेकिन आज मैं इसको नहीं करूँगी रिपोर्टिंग इसकी सॉइल में। आज ये इसको भी देखिए, ये कई प्लांट्स मैंने करे थे, ये फाइकस है, फाइकस में भी बहुत अच्छी रूट्स निकल आई हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी ये रूट्स है। थोड़ा सा और ये मैच्योर हो जाएगा, थोड़ी अभी मुझे लगता है डेलिकेट है, इसलिए इसको भी हम नहीं करेंगे। ये फ्रेंड्स सिंगोनियम की रूट्स देखिए, बहुत अच्छी निकली है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम इसको करते हैं, इसको करेंगे, रूट्स अच्छी हैं। और एक मेरे पास हालांकि ये भी है जो मैंने आपको पहले दिखाया, अम्ब्रेला पाम, इसका रूट सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप होके आया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिंगोनियम से। सिंगोनियम की जब कटिंग ली थी, तो ये इसकी एक स्टेम इसमें आ गई थी, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, निकाल दी। ये आपका सब अच्छा है सिस्टम, मिट्टी आपने भर ली अपने गमले में, और ऊपर की थोड़ी मिट्टी हम लोग हटा देंगे, जिससे कि हमारी जो जड़ें हैं उसमें अच्छी तरह से बैठ जाए। आपकी सॉइल जो है फ्रेंड्स, वो मॉइस्ट होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इसमें हम इसको अच्छी तरह से बिठा देंगे। अगर आपका पेड़ मान लीजिए बड़ा है और उसको गिर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट भी दे सकती हैं इसी समय स्टेकिंग करके। बाकी का गमला हम ये सॉइल से
यहाँ सब ऐसे भर देंगे। जड़ के पास से मिट्टी को दबाना ना भूलें। इस तरह से आप पूरी सॉइल इसमें भर दीजिए। हाथ से अच्छी तरह इसको हम दबा देंगे और गमले को टैप करना ना भूलिए, जिससे कि एयर पॉकेट्स जो है वो निकल जाए उसमें से। इस तरह से ये देखिए, ये गमला हमारा इसमें लग के तैयार हो गया। अच्छी तरह आप सॉइल थंब से हाथ से इसको प्रेस कर दीजिए ये, और ऊपर की एक इंच रिम जरूर खाली रखिएगा पानी के लिए, क्योंकि अभी हमने इसको पानी से निकाला है तो पानी देना अभी इसमें बहुत ज़रूरी है। और ध्यान से दीजिएगा, जो आपका छोटा कोई घर में हो कैन, उससे ये देखिए इसमें पानी पूरा अच्छी तरह से भर दीजिए, जब तक कि ये नीचे के होल्स से निकलने ना लगे। ये आपका पौधा इसमें लग गया। गमले को साफ कर लीजिए, थोड़ा सा पत्तियों पे अगर मिट्टी वगैरह आ गई है तो आप पत्तियों पे स्प्रे भी कर दीजिए, अच्छा लुक आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू प्लांट अ वाटर रूटेड प्लांट इन अ सॉइल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अपने जो पानी में आपने प्रोपोगेट किए हैं प्लांट्स, सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। नमी ज़रूर बना के रखिएगा और धूप में मत रखिएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पौधों को इनिशियली छांव में रखेंगे, लेकिन ब्राइट लाइट आनी चाहिए उनके ऊपर, तभी वो पनपेंगे, उनकी जड़ें स्ट्रांग होंगी। और जैसे जैसे ये बढ़वार पकड़ने लगेगा पेड़, आप इसको बड़े गमले में अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र कर दीजिए। मौसम आगे आगे बरसात का आने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो आपके पौधे भी उसमें खुश रहेंगे और जल्दी ही जड़ पकड़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ मैं एक एपिसोड या सीरीज प्लांट प्रोपोगेशन पे हम करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि अब मौसम आ गया है प्रोपोगेशन का, तो किस तरह से आप अपने पौधों को प्रोपोगेट कर सकते हैं। बाजार से लाकर ना रख के घर में, अपने नर्सरी से ना ला करके आप अपने ही घरों के प्लांट को किस तरह एक से दो और दो से चार बना सकते हैं, या अपनी फ्रेंड्स का बर्थडे है या कोई फंक्शन है तो उनको गिफ्ट कर सकते हैं। नथिंग बेटर देन गिफ्टिंग अ प्लांट टू समवन टू मेक देम हैप्पी। तो इस पे एक सीरीज हम लोग करेंगे प्लांट प्रोपोगेशन पे, कि किस किस तरीके से आप प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं आने वाले मौसम में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, गुड बाय।